भारत ने अंतरिक्ष में एक और कामयाबी का परचम लहराया है और मिशन शक्ति की सफलता के साथ अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान कहा कि भारत अंतरिक्ष पावर के रूप में दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में दर्ज करा दिया है और खास बात यह रही कि भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी नहीं किया है। लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने आज एक अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है। भारत में आज अपना नाम स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। आज साहब इसके लिए तो मोदी जी को मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो काम किए आज तक किसी ने नहीं किया और मेरे देश को इतना ऊंचा नाम कर दिया। जहाँ भी जाओ भारत देश, पहले तो नाम ही नहीं था, नाम मिट्टी पर था, मोदी जी ने नाम बहुत बड़ा कर दिया। तो कितना गर्व है इस बात को? बहुत गर्व है, जिसके सोच नहीं आदमी अंदाजा नहीं लगा सकता। आने वाले जनरेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर दिया है। क्या अब तक रूस, अमेरिका और चीन को ये दर्जा प्राप्त था, अब भारत को भी यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए गर्व। अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा अंतरिक्ष महाशक्ति बना भारत, मिशन शक्ति सफल, देश के नाम संबोधन में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि मिशन शक्ति की सफलता के साथ अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। भारत ने अंतरिक्ष में एक और कामयाबी का परचम लहराया है। इसके लिए मैं तहे दिल से मोदी जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं और 125 करोड़ देशवासियों को जो ये उपाधि मोदी जी ने दिए हैं। भारत को वर्ल्ड में 156 देश हैं, 156 देश में चौथा स्थान लाने के लिए 5 साल कम अवधि में मोदी जी ने इतनी बड़ी उपाधि दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। कितना गर्व आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो ऐलान किए और मिशन शक्ति की सफलता के साथ अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान कहा कि भारत अंतरिक्ष पावर के रूप में दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में दर्ज करा दिया है और खास बात यह रही कि भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी नहीं किया है। लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने आज एक अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है। भारत में आज अपना नाम स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक रूस, अमेरिका और चीन को ये दर्जा प्राप्त था, अब भारत को भी यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि आज 27 मार्च को भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल किया है। भारत ने अपना नाम अंतरिक्ष पावर के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया है। दुनिया के तीन देश अमेरिका, चीन, रूस को पहले से यह उपलब्धि हासिल थी, मगर आज भारत आज चौथा देश बन गया। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़ा गर्व का पल नहीं हो सकता। कुछ समय पहले हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर इलो सैटेलाइट को मार्च गिराया। हालांकि पीएम मोदी ने कहा कि हम विश्व शांति के प्रयास में हैं।